अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक और हवा की बेटी दरिंदगी का शिकार हुई और उसे दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम का बहिमाना कत्ल किया गया, इस हवाले आपको बताएंगे। पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच सके। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक और दरिंदा सफ़त इंसान ने एक बच्ची का बहिमाना कत्ल कर दिया। नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद में दरिंदगी से कत्ल किया गया। नूर मुकद्दम का एक दोस्त था जिसका नाम ज़हीर जाफ़र था। नूर मुकद्दम की फैमिली भी ज़हीर जाफ़र और उसकी फैमिली को भी जानती थी, पहले भी शायद एक दूसरे को मिलते होंगे। ईद के एक दिन पहले इस मनहूस रात भी नूर मुकद्दम उस दरिंदे ज़हीर जाफ़र के पास थी। जब रात को 15 पर कॉल मौसूल हुई तो लड़की बात कर रही थी कि जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक शख्स मुझे मार रहा है। लड़की नूर मुकद्दम सीढ़ी से अपर फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। ये सब सूरत हाल गार्ड देख रहे थे। फिर मुलज़िम ज़हीर जाफ़र सीढ़ियों से नीचे उतरकर नूर मुकद्दम को बालों से पकड़कर अपर फ्लोर पर ले जाता है। इसके बाद जब पुलिस पहुंचती है तो नूर मुकद्दम की लाश पड़ी होती है। कहा जाता है कि मुलज़िम पहले भी नशा करता था, उसी रात भी नशे में था। उस रात उनका किसी बात पर शायद झगड़ा हुआ तो उस जालिम ने बच्चियों को बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया। मुलज़िम को अदालत में पेश किया गया और लड़की का वालिद सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक उतनी गर्मी में इंतज़ार करता रहा। जब मुलज़िम से सवाल किए गए तो मुलज़िम ने कहा, जो भी जवाब देंगे मेरे वकील देंगे, यानी कि वकीलों ने उसे इतना समझाया हुआ था। अदालत ने इस कार्रवाई को सोमवार तक के लिए मुलतवी कर दिया। आज बरोज़ सोमवार मुलज़िम पेश होगा। दुआ है कि ऐसे दरिंदों को इबरतनाक सज़ा मिले। जी नाज़रीन, फ़िलहाल इतना है। अगर कोई न्यू अपडेट आएगी तो हम आप तक पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफिज़।